देखिए, इस फॉर्म के पहले बात हो चुकी है कि पहले 3 पेज एप्लीकेशन फॉर्म है, फिर 1 पेज की इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, डिफरेंट वीडियोस पर आ चुका है, और इसके बाद 2 पेजेस ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपके बायोडाटा के हैं। तो ये बायोडाटा आपने टाइप करवाना है। अगर आप चाहते हो कि टाइप फॉर्म में, मैं वादा पूरा तो नहीं करता, अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है तो मैं अगर टाइप करवा लेता हूं तो आपको मेल कर सकता हूं कि आप उसमें फिर अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर लीजिए। इंफॉर्मेशन कैसे फिल करनी है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पहले भी ये आ चुका है, कि आपने इस बायोडाटा की 10 फोटोस्टेट कॉपीज सबमिट करवानी है। ठीक, ड्यूली टाइप ये लिखा हुआ है, इट मीन्स ये आपको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप करके और उसमें अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। ठीक, एप्लीकेशन के साथ ही ये 10 कॉपीज आपने भेजनी है। अगर कोई इंफॉर्मेशन कहते हैं कॉलम नॉट एप्लीकेबल है तो उसमें NA फिल कर दिए, उसका मतलब होगा नॉट एप्लीकेबल। ठीक, नेम ऑफ दी पोस्ट जो क्लियर है, बातें पीछे रिपीट हो चुकी है, उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी या म्यूजिक वट एवर या प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज जरूर लिख दीजिए या ब्रैकेट में लिख दीजिए। ठीक है, इन द सब्जेक्ट ऑफ, यहाँ पर आ गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, नेम कैपिटल लेटर में, डेट ऑफ बर्थ 10th वाली फिल करनी है, मदर्स नेम आ गया, फादर्स नेम आ गया, प्रेजेंट डेजिग्नेशन जिसका आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर और सर्टिफिकेट होगा वही फिल करना है, प्रेजेंट ग्रेड पे जो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा है वो, ऑफिशियल एड्रेस विद टेलीफोन नंबर क्लियर है। हाँ, ये है जो ये पहले सारा डिस्कस हो चुका है, नेम ऑफ द बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, डिस्टिंक्शन, इफ एनी डिस्टिंक्शन होती है, अगर आपकी 70 से प्लस है डिस्टिंक्शन मानी जाती है, अगर मेरिट में हो तो फिर भी आप लिख सकते हो, मेरिट में गोल्ड मेडल है तभी लिख सकते हो। ठीक है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टॉप किया है तो भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर आपको लिख देना चाहिए। ठीक, ये सारी इंफॉर्मेशन मैट्रिक की, 10+2 की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, MPhil की, PhD की, नेट की, ये जो पीछे पहले वाले वीडियो में सारी डिस्कस हो चुकी है, एनी अदर एग्जामिनेशन एडिशनल अगर आपने दिया है और आपकी टीचिंग लर्निंग को सपोर्ट कर रहा है। ठीक, ये साबित नहीं होना चाहिए कि आपने 4 तरह की मास्टर डिग्री की हुई है, इट मींस आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, एक एरिया में आप स्पेशलाइज्ड नहीं हो, दैट इज वाई आपको रेलेवेंट एग्जाम ही फिल करना चाहिए। ये मेरे हिसाब से आपको ठीक लगे तो आप फिल कर सकते हो, अगर आपने 4-4, 5-5 MA की हुई है या इग्नो से कुछ कोर्सेज किए हुए हैं, कहीं कंटिन्यू करते रहते हैं, अगर इग्नो से ऐसे किए हुए हैं कोर्स तो आप फिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, नेचुरली वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करता है। अच्छा, टीचिंग एक्सपीरियंस अंडर ग्रेजुएट, फॉर एग्जाम्पल आपका टीचिंग एक्सपीरियंस अंडर ग्रेजुएट का बनता है जो आपने ग्रेजुएशन में, पहले ये बात हो चुकी है, मान लीजिए 5 साल है और पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका 15 साल का है। ठीक है, टोटल ये दोनों मिला के हो गए 20 साल का, मान लीजिए 20 साल और एक दो महीने का है, यहाँ पर 20 साल 2 मंथ्स आ गए। ठीक, ये हो गया एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखिए, ये अच्छी बात है, इन्होंने दो दो मेजर और माइनर कहा है, ये देखना है कि आपकी प्रायोरिटी किधर है, आपकी ज्यादा स्पेशलाइजेशन है। अगर PhD का जो एरिया है वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एजुकेशनल साइकोलॉजी लिखा है, दूसरा मैं मुझे लगता है आई हैव लॉन्ग एक्सपीरियंस इन रिसर्च वर्क, मैं रिसर्च मेथडोलॉजी फिल कर सकता हूँ। ये आपने देखना है कि आप क्या की स्पेशलाइजेशन या आपकी मास्टरी ऑफ नॉलेज किस में है, लेकिन फर्स्ट जो PhD का एरिया आपका है वो हर हालत में आना ही आना है, ये बात पक्की है। अच्छा, रिसर्च एक्सपीरियंस आफ्टर MA, ये क्यों लिखा है आफ्टर MA, ये मेच्योर पॉइंट है, जिसने भी लिखा है सही लिखा है आफ्टर MA। कई बार हम MA या MSc में डिजर्टेशन वर्क करते हैं, डिजर्टेशन वर्क जो है कई बार उसको रिसर्च एक्सपीरियंस बना लेते हैं कि मैंने वहां भी तो MEd में डिजर्टेशन किया था, तो ये आफ्टर का है, इट मीन्स आप टीच करने लगे हो। ठीक, पहले तो आप पोस्ट डॉक्टरेट लगा लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने 2012 से अब तक है, मान लीजिए मेरा 10 ईयर और 2 मंथ्स का है ये बन रहा। ठीक, और टोटल मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस है, ये फिर उठ जाएगा, यहां लिखता हूँ 10 ईयर और 2 मंथ्स का हो गया,
10 टू मंथ्स और 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं एडहॉक पर था, मतलब 3 साल का मेरा पहला एक्सपीरियंस है जिस मैंने मास्टर लेवल पर जो एक्सपीरियंस जो रिसर्च वर्क करवाया है, डिसर्टेशन वर्क करवाया, फॉर्मली करवाया हुआ आना चाहिए, इनफॉर्मली तो मैंने लगातार करवाया है, उसको इनफॉर्मल को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो ये तो वो 3 साल प्लस करके ये हो गया 13 साल 2 महीने का मेरा टोटल रिसर्च एक्सपीरियंस। और मेरी अपनी पीएचडी कंप्लीट होने के बाद जो मैंने वो क्या क्या करवाई, मान लीजिए मैंने पीएचडी शुरू एकदम शुरू हो गई पीएचडी, और उसके बाद एमएड का लगातार करता रहा गाइड, ठीक है। अगर आपका कोई रिसर्च प्रोजेक्ट भी है तो वो सारा एक्सपीरियंस उसके बाद जो है कंटिन्यूटी में अगर ओवरलैप करता है तो इकट्ठा आएगा। रिसर्च गाइडेंस ये एक तरह से रेपिटेशन है, रिसर्च गाइडेंस आपने एमफिल के को गाइड किया है, अगर आपने फॉर एग्जांपल मैंने एमएड को किया है तो मैं यहाँ काट कर एमएड लिख दूंगा कि मैंने एमएड को किया है, ठीक। कितने बच्चों को गाइड किया है, फॉर एग्जांपल मैंने 30 बच्चों को, जैसे इससे ज्यादा है 50 से भी नहीं, मैंने कल में 70 के करीब हो गए होंगे, 70 ये हो गए होंगे। और अंडर गाइडेंस है जो चल रहे हैं, मान लीजिए 6 बच्चे अभी चल रहे हैं, और पीएचडी के जो गाइडेड कर चुका हूं कंप्लीट, मान लीजिए 8 हो चुके हैं और 10 कर रहे हैं। अब देखिए मैक्सिमम लिमिट तो 8 होती है, 2 मेरे पास वो है, कुछ 1-2 गाइड की डेथ हो चुकी थी, वो बच्चे मुझे दे दिए गए, तो मेरे अंडर वो फॉर्मल रूप पर मुझे असाइन किए गए हैं, वो 8+2 में यहाँ 8+2 10 फिल कर दूंगा कि मेरे पास 10 है, वहां मैं इसका जवाब दूंगा अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक। रिसर्च प्रोजेक्ट्स आपके पास फॉर्मल रिसर्च प्रोजेक्ट, वो गवर्नमेंट की एजेंसी है या प्राइवेट एजेंसी, आप दोनों लिखिए इन हैंडल। फॉर एग्जांपल 2 रिसर्च प्रोजेक्ट है, आप लिखोगे कि एक माइनर है 1 ईयर के लिए है, ठीक है, और एक जो है मेजर है 3 साल के लिए है, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है वो साथ में आपने लिख देनी है। हैंडल्ड मीन आप कंप्लीट कर चुके हो, ठीक। और इन हैंड अभी जो चल रहा है, अगर चल रहा है मान लीजिए एक रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, इतने रिसर्च प्रोजेक्ट एक जने को नहीं मिलते, आप कितने जनों के एक साथ एसोसिएट हो तो ये होता है, तो आपने उसकी खास कर वो मेजर है माइनर है और कितने ईयर का है ये जरूर लिखना है, ठीक। कई बार साथ में अमाउंट भी लिखी जाती है, 8 लाख का प्रोजेक्ट है, ये 3 लाख का है, 1.5 लाख का प्रोजेक्ट है, ठीक। सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस, यहाँ सिर्फ नंबर फिल करना है, स्टेट लेवल के आपने कितने सेमिनार किए हैं, अटेंड किए हैं, ठीक। मान लीजिए स्टेट लेवल के आपने किए हैं 30 किए हैं, ओके, नेशनल लेवल के हो गए आपके 20 और इंटरनेशनल लेवल के आपके 3, ये इतनी बात है। देखिए ये बात, जब आप सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस अटेंडेड के बारे में फिल कर रहे हो, सिर्फ गिनती यहाँ फिल कर रहे हो मान लीजिए, पर इससे पहले आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए कि एपीआई स्कोर आपका कैसे बनना है, उसके लिए डिफरेंट वीडियो आएगा। अगर वो आप इवेल्युएट कर रहे हो या वो बाद में, उससे पहले जो एक चेकलिस्ट है, एक गाइड लिस्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें नंबर ऑफ आपके टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें से कुछ एक जो रिक्वायर्ड हैं आपके स्कोर जिससे बनने हैं। फॉर एग्जांपल ये हम बात कर सकते हैं, फुल पेपर प्रोसीडिंग है आपकी हुई हुई किसी कॉन्फ्रेंस में सेमिनार में, तो उसके मार्क्स हैं। तो ये डिवीजन जो एपीआई की है अब थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, जैसे यूजीसी रेगुलेशन 2010, 13, 16, 18, तो उसके अनुसार कैसे कैलकुलेट करना है उसको एनालाइज करके आपको वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप अपनी इंफॉर्मेशन जिसके आपके मार्क्स बनते हैं, आपको पता है एपीआई में इसके मार्क्स हैं, वो इस बायोडाटा में कहीं ना कहीं आप एडजस्ट कर दीजिए, जैसे फुल पेपर की यहाँ एडजस्ट की जा सकती है। रिसर्च अवार्ड रिकॉग्निशन, अगर स्टेट का अवार्ड है उसका पूरा नाम आपने लिखना है, नेम पूरा, ठीक, कब मिला, ईयर लिख दोगे, कौन सी एजेंसी से मिला ये लिख सकते हो, नेशनल का इंटरनेशनल का, कौन सा अवार्ड था, कहां से मिला और किस ईयर में मिला, पब्लिकेशन इंक्लूडिंग दोज इन पंजाबी, मतलब पंजाबी भाषा, क्योंकि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है, पंजाबी को प्रमोट करती है। शायद आपको पता होगा कि वर्ल्ड में 2 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो सिर्फ अपनी मदर टंग के बेस पर है,
एक पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और दूसरी हिब्रू यूनिवर्सिटी है। अच्छा पब्लिकेशन अगर पंजाबी में भी है पब्लिश्ड एक्सेप्टेड पब्लिश्ड भी एक्सेप्टेड भी वो साथ में होंगे। बुक्स कितनी है फॉर एग्जांपल मेरी 17 बुक्स हैं टाइटल ठीक है। रिसर्च पेपर कितने हैं फॉर एग्जांपल आज के तो नहीं है ये 6 साल पुराने हैं 43 पेपर ठीक है। आर्टिकल्स 7 एनी अदर पब्लिकेशन इसके अलावा अगर कोई है आपकी तो आप लिख सकते हो। रिसर्च पेपर की डिवीजन आप बायोडाटा में जरूर दीजिए। जैसे दो तरह से डिवीजन कर सकते हैं आप नेशनल कितने हैं इंटरनेशनल कितने हैं जहां जो एपीआई के अनुसार जो पूछा जाता है जनरली दो कैटेगरीज होती है रेफरीड जर्नल में कितनी पब्लिकेशन है नंबर ऑफ फिल कीजिए नॉन रेफरीड जर्नल बट रिकॉग्नाइज विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरीज नंबर ये आपको पता होगा ठीक है। इसके मार्क्स ज्यादा होते हैं नॉर्मली 15 होते हैं लेकिन इसको फिक्स मत कीजिए क्योंकि अगर आपका इम्पैक्ट फैक्टर है इस पर डिफरेंट वीडियो निकालूंगा कि इम्पैक्ट फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता क्या है इम्पैक्ट फैक्टर जनरल वर्डों में तो इम्पैक्ट फैक्टर जितना ज्यादा है उसके अनुसार जो स्कोर भी बढ़ते हैं दैट इज वाई आप इस इंफॉर्मेशन को रेफरीड जनरल और इम्पैक्ट फैक्टर ये बात भी याद है रखना है कि रेफरीड जनरल की कैटेगरी में जनरली यूजीसी रखती है इम्पैक्ट फैक्टर को। इसके अलावा इंडेक्स ये आपको पता होगा इंडेक्स्ड जर्नल जो है ये एक कैटेगरी में आते हैं क्वालिटी जर्नल की कैटेगरी में आते हैं इनका नंबर आप अपने इस बायोडाटा में जरूर दीजिए और दूसरी कैटेगरी नॉन रेफरेड जर्नल की उसकी कीजिए इसके अनुसार आपके स्कोर लगने हैं। ये सुजेशन बार बार है आपको कि हर हालत में एक बार गाइड लिस्ट जरूर देख लीजिए क्योंकि उसमें से आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि कौन सी और चीज मैंने आपने इस बायोडाटा में फिल करनी है जो आपको स्कोर में कंट्रीब्यूट कर सकती है क्योंकि मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट ये बायोडाटा है। इसके अनुसार अगर स्क्रूटनी होनी होती है वो डिफरेंट वीडियो में बताऊंगा कि पॉसिबिलिटी क्या क्या है। अगर स्क्रूटनी होनी है तो नेचुरली है कि यहां से कैलकुलेशन होगी और होने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा अगर शॉर्टलिस्ट करना है। ये जरूरी नहीं है हो भी सकता है कि सभी जनों को बुलाया जाए ये मैं एनालिसिस में आपको डिफरेंट वीडियो में बता देता हूँ। एनी अदर डिस्टिंक्शन और अवार्ड कोई अवार्ड मिला है कई बार टीचर बेस्ट टीचर अवार्ड हो सकता है आपका ठीक है। कई यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस ने सिस्टम रखा होता है कि वो स्टेक होल्डर से फीडबैक लेके रेटिंग करके हमारे यहाँ संत बाबा भागसिंह यूनिवर्सिटी में था तो वहां रेटिंग करवाई गई थी चलो कौन फर्स्ट आया ये तो नहीं बताऊंगा। तो ऐसे अवार्ड अगर आपको विद इन यूनिवर्सिटी भी मिलते हैं विद इन इंस्टीट्यूट भी मिलते हैं या बाहर से मिलते हैं वो आप लिख सकते हो। कोई बेस्ट पेपर का रिसर्च पेपर का अवार्ड है ऐसे कोई रिकॉग्निशन है तो उसको लिख सकते हो आप यहाँ पर वो कब हुआ किसके द्वारा हुआ और ईयर कौन सा है ये इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखनी है। यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्ट्रेंथन क्लेम अपॉइंटमेंट मैंने पीछे भी बताया है कि आप किसी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आप रिसर्च को प्रमोट कर सकते हो आप एनरोलमेंट बच्चों की बढ़ा सकते हो को करिकुलर एक्टिविटी को कर सकते हो उसके लिए काम किया है जहां आपकी स्किल का कोई डॉक्यूमेंट है कि ये स्किल मेरे पास है और मैं कर सकता हूँ अच्छा ठीक है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो उसकी डिस्क्रिप्शन ब्रीफ में। हाँ जी बेसिक्स पे प्रेजेंट जो आपको मिल रही है बेसिक पे कौन सी मिल रही है अलाउंस कितना मिल रहा है जो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में है आपके टोटल कितना है नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट कब लगनी है या अगर प्राइवेट में हो आप टीच कर रहे हैं तो ये आपके लिए फजूल है आपके लिए कोई काम के नहीं है प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं होता। मिनिमम बेसिक पे एक्सेप्टेबल ये पहले बता चुका हूं कि अगर आप जो यहाँ सैलरी मिल नहीं रही है मिलनी है ठीक है उससे अधिक ले रहे हो ये बड़ा अच्छा है ये एक्सप्लॉयटेशन के लिए नहीं गुड है। अगर आप उससे ज्यादा ले रहे हो मान लो यहाँ पर मिलनी है 50,000 और आप ऑलरेडी 70 ले रहे हो तो आप यहाँ 70 फिल करोगे एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल का यहाँ मतलब हुआ कि अगर मैं ज्यादा ले रहा हूं तो मेरी पे जो है प्रोटेक्ट की जाए
हेयर प्रोटेक्शन के लिए ये है, ठीक। अदरवाइज आप बाकी जगह जो इससे कम ले रहे हैं, प्राइवेट में टीच कर रहे हैं जहां इनसे कम ले रहे हैं, नेचुरली आप पे ग्रेड जो मेंशन किए हुए हैं एडवर्टाइजमेंट में वही आप लिखोगे, अटैच सेपरेट व्हाट एवर नेसेसरी क्लेम सपोर्टेड द सर्टिफिकेट, ठीक है, आपके सिग्नेचर एंड डेट है। अब अगर आपको ये चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि इसको टाइप करा के आपको जो भी कहेगा उसको मेल कर दूं। और इसके साथ आपके स्कोर की पब्लिकेशन की कैलकुलेशन कैसे करनी है उसके लिए डिफरेंट वीडियो है, वो आप देख सकते हो। एपीआई कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि यूजीसी ने ये चेंज होता रहा है, टियर लिस्ट चेंज हो रही है, तो वेरी कंफ्यूजन के वो स्कोर कैसे कैलकुलेट होंगे, प्रेफरेंस कैसे मिलेगी, बेशक वो प्रिंसिपल के लिए हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो कैलकुलेशन होनी है, करनी है, और यूनिवर्सिटी ने भी मेजर काम करना है, उस पर टाइम लगाना है, दैट इज वाई केयरफुली आप करके ही भेजिए। नेक्स्ट वीडियो उसके लिए देख सकते हो, थैंक यू। अच्छा, इस बायोडाटा में मुझे कहीं भी वो स्पेस नहीं मिली जो आपके ओरिएंटेशन कोर्सेज होते हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज या समर कोर्सेज या रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, यूजीसी ने एपीआई में उसके वेटेज दी हुई है, दैट इज वाई आप कहीं भी मतलब एडजस्ट कर दीजिए रिफ्रेशर कोर्स या उनके इंफॉर्मेशन कहीं भी पीछे आप दे सकते हो अगर आपको लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन विच स्ट्रेंथिंग द क्लेम ऑफ योर अपॉइंटमेंट, अगर कहीं और स्पेस नहीं मिलती आप यहां भी फिल कर सकते हो जिनके आपके पॉइंट बनते हैं, अदरवाइज आप जो है कॉन्फ्रेंस ये सेमिनार कॉन्फ्रेंस अटेंडेंट में यहाँ फिल कर सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा में मुझे कहीं भी स्पेस नहीं मिली। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इंफॉर्मेशन हर हालत में बीच में देनी है।